आज अभी फ्रेंड्स ये इतने आधे टाइल्स लग पाए हैं, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये किचन में बाद में क्यों लगा रहे हैं? वहाँ पहले करना चाहिए था ना, किचन के पास। उन लोग लेवल मिलाते हैं ना पूरा अपना। अच्छा। लेवल मिलाकर जहाँ स्टील लगता है वहाँ से लगाएंगे ना उन लोग। हमारे से क्या होता है, हम तो कह रहे हैं यहाँ से लगा तो थोड़ा ना वहाँ लगाएंगे। हर जगह मेरी जिद थोड़ी ना चलेगी, इसी जगह तुम्हारी चलेगी। फ्रेंड्स दो बजे बाद बस हनी सब बता रहा है कि कैसे क्या बनाना है। ऊपर कितना आएगा? नीचे से नीचे फर्स्ट बनेगा, नीचे से तुम्हारा कब खुलेगा वो? इंजीनियर साहब इंस्ट्रक्शन देती है, इंजीनियर साहब आर्किटेक्ट इंस्ट्रक्शन। ओह फ्रेंड्स अभी हमने दरवाजा खोला तो हमें ये देखा कि ये सब खुल चुका है, फाइनली हमें झुक के नहीं जाना पड़ेगा। सनी जा रहे हैं जोर की नमाज पढ़ने, हम भी पढ़ते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। सब कट गए, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देखें यूट्यूब चैनल अली नरेक्शन, बात की जाए लाखों दिलों पर राज करने वाली सबा इब्राहिम की, जिनके ऊपर उठ रहे हैं सवाल। लोगों का कहना है कि सबा को पसंद नहीं आया है अपने सास ससुर का घर, इसलिए बनाया है एक अलग घर, इसलिए वो शिफ्ट हो जाएंगी ईद से पहले अपने नए घर में। आखिर क्या है सबा का सच? क्या सच में सबा को अपने हस्बैंड सनी का घर पसंद नहीं आया? तो हम आपको बताते हैं, आप जरा सोचे, एक छोटी सी बात है कि इंसान के कितने कितने घर होते हैं। वो ये सोचता है कि हम अच्छे से अच्छा घर बनाएं, जब हमारे पास इतना पैसा है तो हम अपने हिसाब से घर बना सकते हैं जिसमें हर सहूलियत हो, अच्छी जिंदगी गुजारना कौन नहीं सोचता। इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता है, तो वो किस लिए? या वो घर में तय लगा कर रखेगा उस पैसे का, उस पैसे को यूज किया जाता है, तो उस पैसे को यूज कहाँ किया जाता है? अपने अच्छे घर के लिए, अपने अच्छी जिंदगी के लिए। घर में हर सहूलियत की चीजें होनी चाहिए, तो वही सबा ने किया। अगर सबा ने अलग सामने घर बनाया है तो आप जरा सोचें, क्या सबा ने ये कहा है कि मैं और सिर्फ सनी उस घर में रहेंगे? ये तो सबा ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा है। सबा ने सामने और सनी ने मिलकर घर बनाया है, और वैसे सनी का घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अगर सबा ने अलग घर बनाया है तो इसमें कोई भी गलती नहीं नजर आ रही सबा की, और सबा अपने ससुराल में माशाल्लाह बहुत खुश है। लोग हर बात को पकड़कर सबा को ट्रॉल कर रहे हैं, और आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि सबा ससुराल के घर को पसंद नहीं करती? तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।